भारतवासियों, देश में पाखंड की प्रचंड आंधी चल रही है। जरा सोचिए, पिछड़े दलित समाज के साथियों, ये किसी दल की बात नहीं है, सबके दिल की बात है। खास कर नौजवानों से कहना चाहूंगी, सावन भर कांवड़ यात्रा करेंगे, भादों में भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, कुवार में दशहरा दुर्गा पूजा, कार्तिक में लक्ष्मी पूजा, फिर सरस्वती पूजा और होली में मस्त हो जाएंगे। तब पढ़ेंगे कब? और पढ़ेंगे नहीं तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे कैसे? बड़े ही अफसोस के साथ कह रही हूँ, झुंड का झुंड, नौजवानों का मुंड ज्ञान शून्य पड़ा हुआ है। इसीलिए हम नौजवानों से अपने गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जरा सुनिए। धोबला से कंवरिया हो नौकरिया मिली न देश में, धोबला से कंवरिया हो नौकरिया मिली न देश में। जरा सुनिए मैं कहना क्या चाहूंगी। अरे मनोवाद की यही व्यवस्था, पहले बेरोजगारिया हो, पूजीपतिन के दलित पिछड़ा, पूजीपतिन के दलित पिछड़ा, घूम घूम करे चकरिया हो नौकरिया मिली न देश में, धोबला से पूजीपतिन के दलित पिछड़ा, घूम घूम करे चकरिया हो नौकरिया मिली न देश में, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। सन 1925 नागपुर में बना आरएसएस देश को शुरू से ही हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है। ये लोग गरीबों को पूजा पाठ में फंसाकर, अपने बच्चों को विदेशों तक पढ़ाकर अपने को हमेशा श्रेष्ठ दर्शाना चाहते हैं। समता मूलक नहीं, विषमता मूलक समाज की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। आगे सुने मैं कहना क्या चाहूंगी। महंगी शिक्षा बंधु बतुह के विद्या वाली दुवरिया हो, हायर एजुकेशन के लिए विदेश तक जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? जरा सुनिए मैं कहना चाहूंगी। हमनी का करत नहीं जा, दलित पिछड़ा समाज का लड़का लड़की का करत न, देवतन के परिक्रमा करते भीतर सब मरिया हो, परिक्रमा करत करत पैर ना दुखाता, लेकिन जब माई बाबू पानी मांगत हुवन तो दलित पिछड़ा का लड़का लड़की करत का हवन। मात पिता जो पानी मांगे, मात पिता जो पानी मांगे, मुंह से निकले गरी
धर्म मानते हैं, जबकि ईमानदार महापुरुषों ने मात पिता तथा मानवता की सेवा को सच्चा धर्म और कर्तव्य बताया है। गौर करें, हमारा जागरण कब तक होगा भाइयों? अगले बंद में, लास्ट लाइन में मैं कहना चाहूंगी, कैसे कहे कभी संतोष भीम के कारण कटल अन्हरिया हो, क्या बात है, कहे कभी संतोष भीम के कारण कटल अन्हरिया हो। कोनो देवी देवता के वजह से ही दलित पिछड़ा गरीब समाज को दुख ना कटल। अगर हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर नहीं आए होते, अपने ज्ञान से गरीबों का उद्धार नहीं किए होते, तो आज हम कहाँ होते। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं, हम तो देवी देवता में भगवान को ढूंढते हैं। इसीलिए कवि जी लिख रहे हैं, क्या कहे कभी संतोष भीम के कारण कटल अन्हरिया हो, चाहे ई सरकार चरावो। लेकिन वर्तमान सरकार का चाहत बा, इस लाइन पे आप लोग गौर करेंगे, जो आज की सरकार है वो क्या चाहती है, चाहे ई सरकार चरावो फिर से भेड़ बकरिया हो, नौकरिया मिली न दे। जय भीम, जय भारत।